नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्की कौशल की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और उसी के साथ चर्चा करेंगे कि ये मूवी अपने छठवें दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। देखा जाए दोस्तों, ये मूवी जिस दिन रिलीज हुई थी पहले दिन से ही इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं निकल करके आया। लेकिन दोस्तों, इस मूवी के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इस मूवी के कलेक्शन में हमको ज़्यादा बड़ी ड्रॉप देखने को नहीं मिली। ये मूवी जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही थी, देखा जाए दोस्तों, ये मूवी उसी हिसाब से आज छठवें दिन भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है। क्योंकि अगर हम इसके कलेक्शन के बारे में आपसे बात करें तो देखा जाए, इस मूवी ने कल यानी पांचवें दिन 85 लाख रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 6 करोड़ 70 लाख। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज भी ये मूवी 80 लाख के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है, यानी कि ये मूवी आज भी 84 से 85 लाख का कलेक्शन करते हुए दिख रही है। और अगर ये इतना कर लेती है तो इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 7 करोड़ 58 लाख। देखा जाए दोस्तों, अगर ये मूवी अपने आने वाले अगले वीकेंड में ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है तो यकीन मानिए ये मूवी आने वाले समय में एवरेज हिट का तो टैग ले ही सकती है। और वैसे भी अगर हम विक्की कौशल की बात करें तो विक्की कौशल की देखा जाए जितनी भी मूवी रिलीज़ होती हैं वो सब धीरे धीरे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं और वो मूवी धीरे धीरे ही सुपर डुपर हिट होती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूवी जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, ऐसे ही अगर ये मूवी धीरे धीरे 2 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है तो यकीन मानिए ये मूवी एवरेज हिट की ओर बढ़ जाएगी। वैसे आपका क्या कहना है इन सब बातों को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।